वेलकम बैक टू दिशाएं। ब्रेक के पहले हमने जाना कि घर में किस प्रकार के दोष हो सकते हैं अगर उसकी वास्तु को एप्टली अरेंज नहीं किया गया हो तो। अब हम जानेंगे हमारे वास्तु एक्सपर्ट से मोर अबाउट हाउ टू इंक्रीज द फीमेल एनर्जी इन दी हाउस। सो राजेंद्र जी, माई नेक्स्ट क्वेश्चन एज आई सेड वुड बी हाउ टू इंक्रीज द फीमेल एनर्जी। दैट इज़ बिकॉज इन टू लाइक नाउ डेज वुमेन आर नॉट ओनली जस्ट हाउस वाइफ बट दे आर ऑल्सो वर्किंग, यू नो दे आर ट्राइंग टू ग्रो इन देयर प्रोफेशनल फील्ड्स। अगर वो मैरिड है, इफ दे हैव किड्स, उनको बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है, ऑफिस का भी ख्याल रखना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, एंड यू नो फॉर ऑल दिस उनकी एनर्जी को और बढ़ाने के लिए फीमेल्स आर ऑलरेडी ब्लेस्ड विद लॉट्स ऑफ एनर्जी, बट स्टिल और भी अगर इम्प्रूव करना है विथ रिस्पेक्ट टू वास्तुशास्त्र तो क्या उपाय है इसके लिए? जी बिल्कुल। देखिए, एक सर्वे रिपोर्ट भी आया था जिसमें कहा गया है कि मेल से ज़्यादा फीमेल ही वर्क करती है, बहुत ज़्यादा उसको एफर्ट करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है, और नारी को शक्ति का रूप दिया गया। अगर वो शक्ति को सही चीज़ से वास्तु में अगर यूज़ नहीं करें तो डेफिनेटली सारे लोग इफेक्ट आते हैं उसके। तो फीमेल एनर्जी कहा गया है कि अपने आप को डेवलप वो किचन में ही कर पाती है ज़्यादातर, अगर आप देखें तो। किचन एक ऐसी शक्ति है, किचन मतलब यहाँ पे शुक्र देवता आते हैं, शुक्र देवता साउथ ईस्ट कॉर्नर में शुक्र देवता है जहाँ से फीमेल एनर्जी आई है। तो साउथ साउथ ईस्ट जो कॉर्नर है वो फायर का एलिमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल, किचन गलत प्लेसमेंट पे होने की वजह से फीमेल एनर्जी डिस्टर्ब होती है। तो हम लोग ज़्यादातर प्रायोरिटी ये देते हैं, क्योंकि हस्बैंड जो होते हैं, जो मेल होते हैं, वो घर के बाहर भी कहीं कहीं जॉब पे जाते हैं, फीमेल एनर्जी को सारी चीज़ देखनी होती है बारीकी से, तो हम उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत इसलिए करते हैं। हालांकि करते दोनों के लिए, लेकिन वो घर पे रह के सारे, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, तो अगर वो किचन में अच्छा मन से खाना नहीं बनाए तो सारे लोग दूषित होंगे। शास्त्रों में कहा गया है ये बात है, माँ अन्नपूर्णा का वास अगर सही जगह पर नहीं दिया जाए फीमेल को तो फीमेल एनर्जी डिस्टर्ब होनी ही है। तो हमें बड़ी बारीकी से देखना पड़ता है कि वो किचन कहाँ पर सेटअप है। तो उस किचन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साउथ ईस्ट का एक प्रायोरिटी बहुत अच्छा है, यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन आजकल मिलते नहीं है बहुत सारे। तो सेकंड जो सब्स्टिट्यूट हमारे वास्तुशास्त्र में क्या गया है, तो नॉर्थ और वेस्ट की दिशा पर किचन का एक प्लेसमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। और जगह पे भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन और जगह उतना ज़्यादा इफेक्ट मिल नहीं पाता है। लेकिन अगर आप देखें तो इसके अगर ईस्ट और वेस्ट की तरफ से मैं ये एक रेशा मार दूँ, जैसे एक लाइन मारता हूँ, ये इसको दो हिस्से में बट गए हैं, बराबर है। तो ये जो साउथ का हिस्सा हो जो इस पोर्शन पे होता है, ये अलग है, और ये फीमेल एनर्जी है जो है वो नॉर्थ को, क्योंकि चंद्रमा की ज्यादा शक्तियां यहीं पे हैं। और फीमेल जो होती है चंद्रमा से कनेक्टेड होती है। तो इस एरिया में, इसलिए आप देखें ज्यादातर जो बिजनेस जो होते हैं वो लॉस क्यों होते हैं कॉस्मेटिक के और बहुत सारे, क्योंकि वो लोग अगर इस प्लेसमेंट पे ज्यादातर स्टोरेज रखते हैं तो डेफिनेटली लॉस होगा। क्योंकि कारक ग्रह देखना, मैंने बताया ना, पहले ही बताया कि ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र, अच्छा ज्योतिषी वास्तुशास्त्र के इम्प्लीमेंट करके उसको अच्छा दे सकता है। अगर कॉस्मेटिक के आइटम अगर इस शॉप में इस तरफ ज़्यादातर हो तो अबंडेंस आता है, कस्टमर अपने आप आते हैं, लेकिन उसके विरुद्ध हो तो बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्ट वाइज एंड उसके एप्लीकेशन वास्तुशास्त्र के होते हैं। जी बिल्कुल। तो इस दिशा को हम लोग बड़े प्रॉपर तरीके से डायग्नोस करते हैं, क्योंकि ये दिशा फीमेल एनर्जी की होती है। तो फीमेल एनर्जी यहीं पे अपने आप को डेवलप कर पाती है। और फिर उसके सोने का स्थान, ये सारी चीजें बाद में आती है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व होता है जो किचन का। तो किचन हम लोग उसको प्रॉपर सेट करके, क्योंकि वो सारा चीज दिन में जो भी चीजें घर की होती है वो किचन में जाके अपने आप से बात करती है। और आप देखें तो फीमेल एनर्जी में एक सबसे बड़ी बात होती है उसका सिक्स सेंस। आदमी अगर एक आदमी को देख ले तो बहुत सारी चीजें उसको पता नहीं चलती, लेकिन एक फीमेल अगर किसी आदमी को देख लेती तो समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति का नेचर क्या है, उसकी नीयत क्या है। वो डेवलपमेंट सिक्स सेंस से ही होता है। तो फीमेल एनर्जी को वो मिला है तो उसको कैसे बूस्ट करना, और किचन का प्लेसमेंट गलत होने से फीमेलों को भूलने की आदत हो जाती है बहुत सारी चीज़ें, वो टाइम पे काम नहीं कर पाती हैं, बहुत जल्दी थक जाती हैं, बिकॉज ऑफ उनको प्लेसमेंट नहीं मिल पाता है। इसलिए बहुत गहरी बात है कि फीमेल एनर्जी को हम बहुत अच्छे तरीके से प्लेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड ऑन वो घर कैसा है। यस राइट। एंड सो आई विल सम इट अप बाय सेइंग टू इंक्रीज द फीमेल एनर्जी इन द हाउस, किचन की लोकेशन का सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सो नेक्स्ट, आफ्टर द वीमेन ऑब्वियसली देयर इज अ मैन, सो मेल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए क्या उपाय है वास्तुशास्त्र में? जी प्राची, देखिए ये जो नीचे का पोर्शन है यहाँ का, सूर्य क्योंकि यहीं से ऐसा घूम के अस्त होता है वेस्ट में, तो ये जो नीचे का पोर्शन है यहाँ पर मेल एनर्जी डेवलप होती है। अगर साउथ में बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे तो उसका इफेक्ट आपके घर के मुखिया पे पड़ता है ज़्यादा। इसलिए इसको अच्छे तरीके से हमको डायग्नोस करना चाहिए, क्योंकि मेल एनर्जी ज़्यादातर यहाँ पे डेवलप होती है। गलती से अगर इसके सेंटर में अगर किचन आ जाए
तो उसके करियर क्षेत्र में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने शुरू होते हैं। ओके, तो इस दिशा में मेल का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और ये दिशा में फीमेल का ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो इसको अच्छी तरीके से हम डायग्नोस करने में सक्षम होते हैं तो फिर देखेंगे कि जीवन में धीरे 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 जो मेल एनर्जी है वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ती चली जाती है। लेकिन मेन बेसिक ये प्रिंसिपल है कि फीमेल एनर्जियाँ हैं और मेल एनर्जियाँ हैं। गलती से अगर सपोज जैसे फैक्ट्री वगैरह में भी हम देखते हैं काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, तो उसमें भी हम ऑफिसेस हैं फैक्ट्री हैं तो उसमें हम लोग इसी तरीके से डायग्नोस करते हैं कि वहाँ पर फीमेल एनर्जी कितनी है मेल एनर्जी कितनी है। अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो उसको यहाँ पर सेटअप करने की हम सोचते हैं और फीमेल एनर्जी है मेल एनर्जी है तो इस तरफ सेटअप करते हैं। अगर गलती से फीमेल जो है उसको यहाँ कर दिया जाए और मेल को ऊपर ले जाया जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम आने शुरू होते हैं, बहुत सारी कन्फ्यूज़न शुरू हो जाती है, डिबेट शुरू हो जाते हैं और भारी मात्रा में लॉसेस आते हैं। तो जब भी ऑफिस होती है फैक्ट्री होती है तो इस तरीके से हम डायग्नोस करते हैं कि मेल एनर्जी कहाँ होनी चाहिए और फीमेल एनर्जी कहाँ होनी चाहिए। और वैसे ही प्रोडक्ट भी होते हैं, हर चीज़ का प्रोडक्ट का भी एक एक कारक तत्व है। जैसे लोहा है तो वो शनि के अधिकार में है, है कि नहीं। वाटर है, कोई भी कॉस्मेटिक आइटम है वो चंद्र के अधिकार में है। तो ये सारी चीज़ें देख करके ही हम लोग वास्तु को निर्धारित करते हैं और इसमें बड़ी बारीकी से देखने के बाद ही वो सारी चीज़ें समझ में आती है। जैसे ब्यूटी शॉप है तो ब्यूटी शॉप में ज़्यादातर चीज़ें क्या होती, कॉस्मेटिक, तो उसको डायग्नोस करने में हमें बहुत सारी इस तरीके की हेल्प होती है। तो और ये हेल्प करके ही फिर हम देखते हैं धीरे 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 2-3 साल के बाद में वो जहाँ थे उससे कई गुना आगे बढ़ जाते हैं। हमारे आज के एपिसोड में राजेंद्र जी आपने हमें 2 काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई, दैट इज़ वी शुड नेवर हैव अ बाथरूम और अ टॉयलेट इन द नॉर्थ ईस्ट दिशा बिकॉज दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ऑस्पिशियस दिशा फ्रॉम अमंग्स ऑल द दिशाएँ। एंड ऑल्सो इन्होंने हमें एक बहुत ज़रूरी बात बताई थी कि किचन में द सिंक एंड गैस साथ में होने से काफ़ी लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम होता है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। किसी यू नो अज्ञानी या हाफ नोन नॉलेजेबल पर्सन की बातें सुनकर अपना किचन डिस्ट्रॉय न करे। ही सेज इट इज़ ओके टू हैव अ सिंक एंड द गैस इन द सेम किचन। सो राजेंद्र जी, नेक्स्ट आप हमारे व्यूअर्स को आज और क्या स्पेशल टिप देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि घर में अगर मिठास लानी हो, अगर आपके घर पे बहुत कलह हो रहे हैं, तो एक छोटा सा मैं टिप्स देना चाहता हूँ एज ए वास्तुशास्त्र के हिसाब से। अगर आप देखें तो बच्चा जो प्राचीन पैदा होता है सबसे पहले, तो सबसे पहले उसके जीभ पर मध रखा जाता है, वो बहुत मिठास है। और मध में भी अगर आप देखें तो पंचामृत में मध का भी महत्व होता है अभिषेक में। तो 5 देव होते हैं उसके अंदर, दूध में अलग अलग, मध में अलग। तो मध के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि किचन के अंदर आप जो पॉट होता है कोई भी ले सकते हैं या फिर आप मिट्टी का पॉट ले सकते हैं। अच्छा। मिट्टी के पॉट में अगर आप मध भर के रखते हैं और उसको डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे धीरे 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 ऑटोमेटिक आपके घर से कलह भी बहुत कम होगा। ये रेमेडी बहुत कारगर है, इसे आप ज़रूर यूज़ करके हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको हमारा आज का शो ज़रूर पसंद आया होगा। एंड कीप फेथ इन अस एंड वी विल नेवर डिसअपॉइंट यू इन आवर शो दिशाएं। इसी तरह हम वास्तुशास्त्र के अद्भुत ज्ञान को डिकोड करते रहेंगे। तो देन नेक्स्ट एपिसोड तक टेक केयर, गुड बाय।